top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. अब लेकिन वो कह रहे हैं वीवीपैट आ जाने से हम सेटिस्फाइड रहेंगे, आपकी पार्टी का क्या मानना? देखिए, हमारा ये मानना है कि वीवीपीएटी आने से, जो वीवीपीएटी की मशीन अभी दिखाई गई, वो मशीन दिखाई गई जिसमें 7 सेकंड के अंदर आप जब बटन दबाएंगे और उसके बाद वो 7 सेकंड में पर्ची अंदर चली जाएगी। 80% लोग अनपढ़ होते हैं जो वोट डालने जाते हैं या बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। जब तक आप मशीन दबाएंगे और वहाँ पहुँचेंगे, 7 सेकंड निकल जाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि अगर आप वीवीपीएटी मशीन ला रहे हैं तो एक पर्ची निकलनी चाहिए जो वोटर के हाथ में होनी चाहिए, वो उसको देखे, देखने के बाद जब समझ ले कि किसको पड़ा, उसके डब्बे में वही डाल दे। मतलब डुअल पेपर ट्रेल होनी चाहिए, वरना कभी भी वीवीपीएटी से भी चुनाव सही नहीं हो सकता। और इसीलिए जब तक ऐसा नहीं करते तब तक इनको बैलेट पेपर से। तो सर, आपने ये सुझाव दिया है, डबल, यही हम लोगों ने कहा है, हमारी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने वही बात की जो मैं आपके सामने कह रहा हूं। और जो राजनीतिक चंदे को लेकर पारदर्शिता की बात है, उसमें चुनाव आयोग के जो सजेशन थे उसको लेकर, इसके बारे में हम लोगों ने कहा कि जो एक कॉरपोरेट फंडिंग आपने अलाउ कर दी है, एक्ट अमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया है कि हजारों करोड़ रुपया भी कॉरपोरेट फंड कर सकता है और उससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो ये कौन सा जस्टिफिकेशन है? और इसको खत्म करना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप 2000 रुपए की तो ट्रांसपेरेंसी मांगते हैं और 2000 करोड़ की नहीं मांग रहे, ये कहां का कानून? तीसरा ये है कि अगर चार्ज फ्रेम हो जाए तो उसको चुनाव लड़ने से जो है वो बताया गया हम लोग का चार्ज फ्रेम जो है वो स्टेज एक बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज होता है और चार्ज फ्रेम के बाद मुकदमा शुरू होता है। उस स्टेज में अगर आप डिस्क्वालीफाई कराने लगेंगे तो इसका बहुत बुरी तरीके से मिसयूज होगा इस प्रोविजन का, इसलिए ऐसा प्रोविजन नहीं लगा।